फिल्म लगान में आमिर खान को अपने ठुमकों पर नचाने वाला कोई और नहीं बल्कि है टेरेंस लुईस। तो आज सास बहू साजिश पहुंच चुका है उनके घर और जानने की कोशिश करेगा कि आखिर उनका दिन किस तरह से बीतता है। चलिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग टेरेंस। गुड मॉर्निंग, आप सही वक्त पे आ गए। मैं अभी भी क्रिसमस ट्री डेकोरेट करने वाला था। किस तरह से टेरेंस आपका दिन शुरू होता है और किस तरह से पूरे यू नो एक तरह से खत्म होता है? वेल, शुरू तो होता है योग से। घर है और ये खूबसूरत सा बेंच है। ये आइडिया इसका ये है कि जो वृक्ष होता है उसके जड़े होते हैं, जड़ से जड़ जो आप देख रहे हैं, जड़ से वृक्ष, वृक्ष से यू नो लकड़ा, लकड़ा से यू नो बेंच बनता है। और अगर आपने शुरू किया है घर पहले बिगनिंग में, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे तस्वीरें हैं लोगों की। वो तस्वीरें उन लोगों की हैं जिन्होंने वो घर बनाया, पेंटर्स, स्कल्प्टर्स, यू नो कारपेंटर्स। और ये मेरा फेवरेट स्पेस है, ये मेरा लाइब्रेरी कम काउच कम एवरीथिंग। यहाँ पे यू नो किताबें मैं पढ़ सकता हूँ, मुझे किताबों का बहुत बहुत शौक है। हॉली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कोई यहाँ पर आता है यहाँ पर खड़े होके पहले उसे यू नो हम उसको स्वागत करते हैं। और स्वागत इस तरह होता है कि हम उसको यू नो झप्पी देते हैं और एक पप्पी देते हैं। तो ये लैम्प बहुत ही यूनिक है। ये लैम्प एक्चुअली आप देखोगे तो ये घासलेट का फनल, राशन में जब जाते हो ना तो ये घासलेट का फनल है। और ये जो ट्रे देख रहे हैं आप, वो एक्चुअली ब्रिजवासी जो है ना मिठाई की जो ट्रे मिठाई की और ट्रे बनती है जिसमें पेड़े बनते हैं, तो हमने वो सब ख़रीदा चोर बाज़ार। हमारे मुंबई शहर में एक जगह है चोर बाज़ार, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो मुख्तलिफ चीज़ें जो बहुत ही यूनिक है। अगर आपका दिमाग लगा दे तो आप यू नो उसको क्रिएटिवली यूज़ कर सकते। उसी को देखते देते हम अभी आते हैं क्रिसमस ट्री पे। ये मेरा खूबसूरत सा क्रिसमस ट्री है। माई बालकनी, और अगर आप देखोगे तो मेरा स्कूल सेंट टेरेसाज हाई स्कूल, इस स्कूल में मैं पढ़ा 11 साल। ऑनेस्टली जब मैं यहाँ पे स्कूल पे था तो मेरा घर एक्चुअली अंधेरी में, मैं 32 इयर्स अंधेरी एक छोटी सी बस्ती में रहा, क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से थे। मेरी माँ जो है वो शी इज गॉट अ ग्रीन थंब। ग्रीन थंब इज बेसिकली उन कहते हैं ना जिनके पास वो हाथ होता है पौधों के लिए, तो मेरी माँ के पास वो था। वो हर पेड़ को जो भी लेती थी वो फट से, जो भी मरा हुआ भी पेड़ है तो वो फिर से वो उसको वो कहीं ना कहीं उसको वो यू नो फिर से लाइफ में लेके आ जाती थी।
तो आइए मैं आपको मुखातिब करता हूँ मेरे किचन के साथ। ये है मेरा छोटा सा स्वीट सा किचन। ये गोरेगांव के तबेले से मैंने दो बास्ट मतलब कैंस लिए, उस पर सिर्फ एक इसको चिटका दिया है मैंने, और इसको बोलते हैं बार स्टूल। यहाँ पर आप बैठ कर, इस पर बैठ कर नाश्ता वाश्ता कर सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि क्रिसमस का माहौल है, मैं ऐसी चीज़ों में ज़रूर जाता हूँ जहाँ पर मुझे शांति मिलती है। मैं आपको एक ऐसी चीज़ पर लेकर जाऊँगा जहाँ पर मुझे बहुत शांति मिलती है। निकले आया हूँ। थैंक यू मदर मैरी एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू हु लव मी सो मच। तब वो जमाने में क्लास वो एक साउथ बॉम्बे में जो अमीर लोगों के, हम और हम तो मैं तो चार में पैदा हुआ हूँ, मेरे जो पता भी नहीं क्लास, ये सब अमीरों का शौक है ना, ये वो साउथ बॉम्बे वाले लोग के पास वो सब थे, वो थोड़े एडवांस थे, हमें तो पता भी नहीं कि क्लास भी होता है डांस का। हाँ होता है, आप आओ टाउन में। तो पहले तो मेरे माँ बाप को राज़ी करना कि चलो आओ वहाँ पर जाके सीखना, और फिर मैंने मेरे भाई को मना लिया, यार मुझे एक बार तू दिखा दे किधर है, क्योंकि ट्रेन में चलना मैं बच्चा था तभी, मेरी माँ ने तो ना बोल दिया, लेकिन मैंने किसी भी तरह के इसको मना कि नहीं मुझे जाना ही है, मुझे सीखना ही है। मैं गया 3 महीने के लिए, सीखा, मैंने बहुत कुछ सीखा, और मैं ऐसा इंसान हूँ कि अगर मुझे मेरा मन किसी चीज़ में लग जाए ना, तो मैं सिर्फ एक चीज़ में 10 चीज़ सीख कर आ जाता हूँ। तो मैंने पूरा उसको मैंने जेरोक्स की तरह उतार दिया, सब चीज़ें मैंने समझ ली कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। वो दो क्लास और सिखा रही थी एडवांस, वो भी मैं बैठ के देखता था, घूर घूर के देखता कि वो कैसे सिखा रही है, किस तरह से सिखा रही है, कैसे लोग सीख रहे हैं। तो मैंने सब कुछ सीख लिया 3 महीने के अंदर, मैंने उतनी चीज़ें सीख ली जो 3 साल में कोई लोग समझता है। और मैंने वहाँ से सीखा, परवेश शेट्टी उनका नाम था, अब वो एक बहुत बड़ी टीचर है US में। बेस्ट फ्रेंड मिलते हैं साथ में तो मस्ती तो होती है, और बेस्ट पार्ट ये है कि कोई भी शो में जब भी हम लोग मिलते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि बहुत टाइम बाद मिले, ऐसा लगता है कि हम लोग रोज़ मिलते हैं। तो आपने देख लिया कि मेरा जो दिन होता है वो कैसे शुरू होता है और कहाँ तक जाता है। बस यही था सिलसिला आज का, फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए कहूँगा शबा खैर, खुदा हाफिज़, और अपना ख्याल रखना। ऑल द बेस्ट फॉर 2018। ABP News, आपको रखे आगे।